IVM. The Croc's Tales. Words aapke, kahani aapke liye by Anand Sivakumaran. Freddy ki Fiat ho gayi flat. Part 3. Story so far. Freddy ki life takes a zabardast turn when his dadaji's booth tells him to take his beloved Fiat, Esophagus, and go to Abrim village in Goa and meet Margarita, who will give him his treasure. Par raaste mein uski meeting ho jaati hai Jasmine se, who needs a Fiat for an ad shoot. Jasmine Freddy ko manane ki puri koshish karti hai, par jab Freddy behaves rudely with her, uska sar ghoom jata hai aur wo Freddy ko knockout karke use dikki mein band kar deti hai and takes the car for the shoot. शूट के बीच में जब रणबीर और आलिया फिएट के अंदर बैठे हैं, फ्रेडी को होश आ जाता है। अब आगे। स्टार्टिंग लाइन व्हाई मी। स्टार्टिंग लाइन सजेस्टेड बाय शिल्पिका जैन। व्हाई मी? यही ख्याल जैस्मिन के माइंड में आया जब बीच शॉट में फिएट की डिक्की से आवाजें आनी शुरू हुई। डैम इट, इट वॉज द सेवेंथ टेक। रणबीर एंड आलिया वर परफॉर्मिंग ब्यूटिफुली। सिर्फ 10-15 मिनट मैक्स और फिएट का काम खत्म हो जाता। तब तक अगर फ्रेडी बेहोश रहता तो जैस्मिन की लाइफ में एवरीथिंग वुड हैव बीन परफेक्ट। पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अराउंड 7 मिनट्स अर्लियर फ्रेडी के माइंड में यही थॉट आया था, व्हाई मी? वो शांति से आर्बोरियम विलेज जा रहा था मार्गरीटा से मिलने, अपना ट्रेजर लेने। उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, देन व्हाई उसे नॉकआउट करके डिक्की में क्यों डाला गया? इट वॉजंट फेयर। ऊपर से ही वॉज गेटिंग क्रैम्प्स इन हिज बम, टम एंड गर्दन। फ्रेडी का सर घूमा, उसका फ्यूज उड़ा। विद फुल विल पावर ही मैनेज्ड टू स्पिट आउट द गैग इन हिज माउथ। फिर वो हाथ और पैर खोलने में लग गया। बेचारी जैस्मिन वॉज अ नाइस गर्ल, शी डिडंट वांट टू मेक फ्रेडीज लाइफ एनी मोर अनकंफर्टेबल देन शी हैड टू, सो शी हैडंट टाइड हिम टू टाइट। उसकी यही काइंडनेस केम बैक टू बाइट हर इन द एस, बिकॉज 7 मिनट बाद फ्रेडी वॉज फ्री एंड बैंगिंग द डिक्की जस्ट इन द मिडल ऑफ द 7th टेक। रणबीर एंड आलिया वर सरप्राइज्ड। एक बार डायरेक्टर ने साइलेंस बोल दिया तो हु ऑन सेट वुड डेयर मेक इवन द मोस्ट छोटा साउंड एक्सेप्ट फॉर द एक्टर्स? और यहां तो कोई राग रुद्र तांडव बजा रहा था। मोहित वॉज पिस्ड, कौन ब्लीप ब्लीप आवाज कर रहा है ब्लीप ब्लीप? सबसे जूनियर एडी गाड़ी के डिक्की के पास भागा, आवाज सुना और लौट के अपना अर्थ शैटरिंग डिस्कवरी शेयर किया। डिक्की में शायद कोई है। एज ऑलवेज मोहित लुक्ड अराउंड फॉर जैस्मिन। बैंड तो उसकी बजानी थी ना, बट ये बात जैस्मिन को भी पता था, वो पहले से ही छुप चुकी थी। मोहित कंफ्यूज हो गया, यूजुअली हर डर्टी जॉब वॉज गिवन टू जैस्मिन, अब हलाल होने के लिए किस बकरे को भेजे? जब तक वो सोच रहा था रणबीर का पेशेंस खत्म हो गया। क्या हो रहा है यार? He stepped out of the car, went to the dicky और वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने डिक्की खोला, अंदर से फ्रेडी झपट पड़ा फुल गुस्से में। उसने आव देखा ना ताव, जो मिला उसे घूसा मार दिया। शॉर्ट में बोले तो ही सॉक्ड रणबीर कपूर ऑन द फेस। 47 सेकेंड्स तक पूरी यूनिट शॉक में थी। मोहित अपने डायरेक्टर वाली कुर्सी से गिर गया। आलिया जो गाड़ी से बाहर निकली हुई थी टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन वाज सो टेकन अबैक दैट शी वेंट बैक 7 स्टेप्स। सिर्फ रणबीर का बॉडीगार्ड ने रिएक्ट किया, पर वो भी 46 सेकेंड्स के बाद। तब तक ही कुडंट बिलीव कि किसी ने एक्चुअली उसके बॉस इतने बड़े स्टार को पंच किया। थैंकफुली फॉर फ्रेडी 32 सेकेंड्स में ही रियलाइज कि उसने मधुमक्खी के छत्ते में मुंह मार दिया था। There were at least 60-70 people around him, जो guaranteed उसके पंच का जवाब फुल ऑन धुलाई से देने वाले थे। बचने का बस एक रास्ता था। फ्रेडी भागा, इसोफेगस के अंदर कूदा। इसमें 15 सेकेंड लग गए। तब तक रणवीर का बॉडीगार्ड had gotten into action mode। वो फ्रेडी की तरह भाग रहा था। काश कि उसमें उसेन बोल्ट की आत्मा आ जाती तो he'd have reached फ्रेडी इन टाइम। बट उसमें घुसी गणेश गायतोंडे की स्पिरिट, ब्लीप ब्लीप ब्लीपडी ब्लीप ब्लीप की मां का ब्लीप। गाली देने में उसने जितने सांसें वेस्ट किए उतना ही उसका स्पीड कम हुआ। और तब तक फ्रेडी हैड पुट द कार इन गियर, रिलीज द हैंड ब्रेक एंड वाज स्पीडिंग अवे। बॉडीगार्ड और यूनिट के वो मेंबर्स जिनके रिएक्शन टाइम्स थोड़े फास्टर थे
फियट के पीछे भागे। एक दो ने डिक्की पे हाथ भी मारा, बट तब तक इसोफेगस ने स्पीड पकड़ लिया था। पर अभी भी एक जियाला था जो अपने आप को हीरो प्रूफ करने के मूड में था। वो तो मुंबई हीरो ही बनने आया था। धक्के पे धक्का खाने की वजह से स्पॉट बॉय, फिर प्रोडक्शन असिस्टेंट और अब लाइन प्रोड्यूसर बन गया था। पर उसका सपना अभी भी अलाइव था। उसको लगा कि रणबीर पे हाथ उठाने वाले को अगर उसने धर लिया तो रणबीर वुड बी इन अ मोगैम्बो खुशुआ जोन। रणबीर का हाथ उसके सर पे आ गया तो फिर क्या था, मतलब फ्रेंड का रोल तो मिल ही जाता ना। यही सोच के वो फियट के रास्ते में खड़ा हो गया। शायद नेटफ्लिक्स पे लुक केज देख के उसे ये गलत फहमी हो गई थी कि उसके हीमैन बॉडी को टच करते ही गाड़ी चकनाचूर हो जाएगी। इंस्टेड फ्रेडी ने स्टीयरिंग घुमाई, इस वॉनोबी हीरो की लाइफ बच गई, पर उसके लेफ्ट पांव के सारे टोज चटनी हो गए। उसके बाद क्या था, गेट के बाहर में रोड और कुछ ही मिनट में फ्रेडी वॉज ऑन द वे टू आर्बोरियम। हिज प्लान वॉज क्लियर, गेट टू मार्गरीटा एसैप, ट्रेजर उठा ले और फटाफट गो बैक टू बॉम्बे, इससे पहले कि पुलिस कंप्लेंट, नाकाबंदी एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो जाए। इजियर सेड देन डन, बिकॉज ही हैड नो आइडिया हाउ टू गेट टू आर्बोरियम। क्या बात कर रहा हूं, जीपीएस के जमाने में हाउ कैन एनी प्लेस बी डिफिकल्ट टू फाइंड। वेल, वो इसलिए क्योंकि जीपीएस पे आर्बोरियम नाम का कोई विलेज दिख नहीं रहा था। यू सी, जब फ्रेडी इस जर्नी पे निकला, ही नेवर चेक्ड वेयर आर्बोरियम वाज और हाउ टू गेट देयर। His plan was, पंजिम पहुंचेंगे, from there how far could it be? तब GPS use करेंगे। But as we know, before that could happen, उसकी life में Jasmine आई। और अब जब वो उस पूरे लफड़े से निकल गया था, he just couldn't find the village। उसने गाड़ी रोक के एक दो लोगों से पूछा, they gave him a blank look। He asked a cabbie he was driving by, उसने भी कुछ नहीं कहा। Freddy को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि problem क्या था। तभी उसे एक आकाशवाणी सुनाई दिया, आर्बोरियम नाम का कोई गांव नहीं है बॉस। फ्रेडी स्लैम द ब्रेक्स, द फियाट केम टू अ स्क्रीचिंग हॉल्ट। नहीं, इसलिए नहीं कि आकाशवाणी हैड सेंस समथिंग शॉकिंग, बट बिकॉज फ्रेडी को पता था कि आकाशवाणी नहीं है। ही न्यू दिस वॉइस। फ्रेडी मुड़ के बैक सीट की तरफ देखा, श्योर इनफ आवाज वहीं से आई थी, जैस्मिन की आवाज। होप अब तक की स्टोरी आपको पसंद आई। नेक्स्ट एपिसोड कमिंग ऑन थर्सडे। एंड इफ यू'd लाइक टू सेंड मी अ वर्ड और फ्रेज टू स्टार्ट एनी ऑफ द पार्ट्स ऑफ माय स्टोरीज, सेंड इट टू मी एट anand@planetcrocktales.com। दैट्स anand@planetcrocktales.com। सी यू। Did you know that Parsis in Mumbai, instead of being left at the Tower of Silence after they die, are now cremated? And why? Because a cow fell sick in the early 1990s. Did you know that the smog in Delhi is caused by something that farmers in Punjab do and that there's no way to stop them? Did you know that there wasn't one gas tragedy in Bhopal, but three? One of them was seen, but two were unseen. Did you know that many well-intentioned government policies hurt the people they're supposed to help? Why was demonetization a bad idea? How should GST have been implemented? Why are all our politicians so corrupt when not all of them are bad people? I'm Amit Verma, and in my weekly podcast, The Seen and the Unseen, I take a shot at answering all these questions and many more. I aim to go beyond the scene and show you the unseen effects of public policy and private action. I speak to experts on economics, political philosophy, cognitive neuroscience, and constitutional law so that their insights can blow not only my mind, but also yours. The Seen and the Unseen releases every Monday. So do check out the archives and follow the show at seenunseen.in. You can also subscribe to The Seen and the Unseen on whatever podcast app you happen to prefer. Long, long ago, not in Bethlehem, but in a place nearby, there was a wonderful birth of a huge show, which I like to call Cyrus Says, a show that encapsulates everything in human history, from the first Homo sapien to the last Homo sapien, who's traversed the entire world and then come back to India. This is a show which tells you everything about everything. If you want to know, avoid Google, come to us. It's called Cyrus Says.
Get new episodes every Monday and Thursday on the IVM Podcast app, website, or wherever you get your podcasts from. It's simple as A, B. Oh, God, what comes after that?